Board. Today is Monday and the date is 20 July 2020. Today we will do the punctuation rules. Punctuation आप लोगों ने हमेशा की है कि आपने आखिर में फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर लिखना है, या अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है, किसी जगह का चीज का नाम, तो वो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जब अब हम अगर एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है, जैसे हम फीलिंग बोल रहे होते हैं, जैसे ब्रावो, हुर्रा, अलग, तो आपने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। कॉमा है, जैसे आप, मैं आपसे पूछती हूँ क्लास हैव यू डन योर वर्क, तो आप लोग कहते हैं यस टीचर, तो यस के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा कॉमा और कहाँ लगता है, जब मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट हैव यू ईटन इन योर ब्रेकफास्ट, आपने नाश्ते में क्या खाया, तो आप बोलते हैं ब्रेड, चीज, बटर, जैम, ब्रेड, ठीक है, तो उन सब के बीच में क्या लगता है, कॉमा लगता है। तो ये पंक्चुएशन रूल्स हैं, मैंने आपको बता दिया फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, और फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर होता है, और जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, खास चीज, जगह, जैसे कराची, पाकिस्तान, या अली, या सारा, इनसे पहले इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। ये रूल्स हैं, इसके बाद में आपको एक दो तीन को सेंटेंस करके दिखाती हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज बताऊँगी कौन सी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। आप देखें यहाँ पर, ये पहला वर्ड है, पहला लेटर है क्या, ये देखिए मैं पहले सेंटेंस पढ़ती हूँ, वाओ पाकिस्तान मौतम है, तो जो फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का उसको पहले आपने कैपिटल कर देना है। अब ये क्या है, वाओ, वाओ एक फीलिंग है ना, एक्सक्लेमेशन है, तो जब वाओ आता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे हम, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। अच्छा, आपने इनको पेंसिल से लिखना है सेंटेंस को, लेकिन जो आप पंक्चुएशन के मार्क्स लगा रहे हैं वो आपने ब्लू उससे लगाने हैं, ब्लू अपनी पेंसिल से, ठीक है। पाकिस्तान का पी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पाकिस्तान बॉन दा मैं, आखिर में क्या हो जाएगा बताएं मुझे, आखिर में फुल स्टॉप लग जाएगा, तो कैपिटल लेटर, एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप, इन सबको आप किससे करेंगे, ब्लू पेंसिल से करेंगे। ये विल यू गिव मी योर बुक, विल यू गिव मी योर बुक, सबसे पहली बात है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है, विल यू, क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे, तो ये क्या है, ये एक सवाल है, तो जब सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो आंसर में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। फिर दोबारा वही बात कि जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, कैपिटल लेटर, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, विल यू गिव मी योर बुक, और आखिर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। दोबारा बता रही हूँ, जब आप पंक्चुएट करते हैं तो जैसे कैपिटल लेटर होगा वो ब्लू पेंसिल से लिखेगा, और जो मार्क्स होंगे पंक्चुएशन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप और कॉमा, वो सब जो है वो आप ब्लू पेंसिल से बनाएंगे। एक और मैंने आपको दिया है सेंटेंस, तो आप देखिए सेंटेंस पहले क्या है, यस आई हैव ईटन ब्रेड, बटर, जैम एंड एग, तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब आप देखिए फर्स्ट लेटर आपने वाई कैपिटल लिखा, फिर आपने यस के बाद, मैंने आपको बताया था जब आंसर में यस और नो करते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर आप आई भी कैपिटल बनाएंगे, आई हैव ईटन ब्रेड, कॉमा, बटर, कॉमा, जैम एंड एग, और आखिर में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, सही है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी बुक की, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर पेज नंबर 30 ए और बी आपको एक्सरसाइज करनी है ग्रामर की कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लें, ये दो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। थैंक यू क्लास 4।